अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन ग्रेवी कढ़ाई। चिकन ग्रेवी कढ़ाई बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 किलो चिकन लिए, उसको अच्छे से मैंने वॉश कर लिया है और इसके मसाले को मैंने ग्रेन कर लिया। इसमें मैंने प्याज लिए, हरा धनिया लिए, पुदीना लिए, 5 से 6 हरी मिर्ची लिए और 1 टीस्पून जीरा, सभी चीज़ें लेके मैंने इसको ग्रेन कर लिया है। साथ ही मैंने यहाँ मलाई लिए, मलाई ऑप्शन है, आप डालें या ना डालें। 2 टेबलस्पून मैंने अदरक लहसुन लिया, 1 टीस्पून मैंने नमक लिया और 1 टीस्पून मैंने वाइट पेपर लिया। तो आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने चिकन को कढ़ाई में डाल लिया है और इसे डीप फ्राई कर लेंगे 5 से 7 मिनट के लिए, जब तक इस पर वाइट कलर ना आ जाए, हल्की सी गोल्डन कर लेंगे। और फिर मैं ये सारा तेल निकाल दूँगी, जितना हमें चाहिए होगा मैं उतना ले लूँगी। इसे 5 से 7 मिनट तक डीप फ्राई करना है। जब तक ये फ्राई होती है 2 मिनट बाद बचेगा। तो यहाँ पे इसको 5 से 7 मिनट हो गए हैं और ये अच्छे से गोल्डन भी हो गई है, वाइट हो गई है। अब मैं इसमें 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन शामिल कर दूँगी और इसे अच्छे से चला लूँ। अदरक लहसुन का कच्चापन डाले खत्म हो जाए। तो यहाँ पे 2 मिनट होगा, अदरक लहसुन का कच्चापन खत्म हो गया। अब मैं इसमें ग्रेन किया हुआ मसाला शामिल कर दूंगी, जिसमें मैंने प्याज लिए, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च और 1 टीस्पून जीरा। अभी अच्छे से मैश कर लूँगी। ये कढ़ाई बहुत ही मज़े की बनती है और देखने में भी बहुत अच्छी लगती है। अपने घर में ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें अपना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अब मैं इसमें नमक डाल दूँगी 1 टीस्पून, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, और वाइट पेपर 1 टीस्पून। से 15 मिनट में इसको ढककर पकाऊंगी ताकि हमारी मुर्गी अच्छे से गल जाए। मिलते 10 से 15 मिनट में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी चिकन को 15 से 20 मिनट हो गए हैं और अब ये माशाल्लाह से तैयार है। ग्रेवी आपके ऊपर है, आप कितनी पसंद करते हैं खाना। तो यहाँ पे मैं तो ग्रेवी इतनी ही रखूँगी क्योंकि मेरे घर में इतनी ग्रेवी पसंद की जा रही है। मैं इसे ज़्यादा पतला नहीं करूँगी, गाढ़ा ही रखूँगी। अभी हमारी डिश तैयार है, अब मैं आपको इसे सर्व करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसे डिश आउट कर लिया है और अब मैं इसमें गार्निश करूँगी हरी मिर्च और साथ हरा धनिया। तो आप देख सकते हैं इसकी लुक माशाल्लाह कितनी अच्छी आई है और ये कितनी अच्छी बनी है। तो आज की हमारी रेसिपी बनकर तैयार है, ग्रीन चिकन कढ़ाई। रेसिपी अपने घर में ज़रूर ट्राई करिएगा, ये रेसिपी बहुत ही अच्छी बनती है। किसी के घर में नहीं बनती चिकन ग्रीन कढ़ाई, लेकिन आप ये ज़रूर ट्राई करिएगा और अपना कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देगा। ये आप लोगों की तरफ से प्यार होता है हमारे लिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।